टीम, हमारी स्टेट की रोइंग टीम आज 7th इंडोर रोइंग चैम्पियनशिप जो पंजाब में होगी वहाँ पर हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ तक आपने देखा होगा वाटर स्पोर्ट्स की बात है, वी पीपल आर ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल वाटर फ्रंट्स, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। और इस स्पोर्ट्स ने आज तक अगर देखा जाएगा, इस स्पोर्ट्स ने आज तक 110 मेडल्स हमारी यूटी को दिया और जिसमें 50% वुमेन पार्टिसिपेशन है। और आज आप देख रहे हो कि हमारी जो सब जूनियर, जूनियर और सीनियर टीम ये जम्मू कश्मीर यूटी को इस प्रेस्टीजियस चैम्पियनशिप में पंजाब में रिप्रेजेंट करेंगे। और आने वाले दौर में मुझे जो लग रहा है कि हमारे बच्चे ना कि स्टेट को बल्कि मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख लीजिए कि मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ दैट वाज 1998, तब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था और स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे। आज खुशी की बात यह है कि आज हर कदम पे पेरेंट्स साथ है, ये हमारी जीत है। और आप देख लीजिए इसमें मेरा जो ख्वाब है, मैं जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को वर्ल्ड मैप पे देखना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ यहाँ से एक बिल्किस नहीं, हज़ार बिल्किस निकले। और अभी ओलंपिक्स आ रहा है तो फ्यूचर में हमें प्लान करके चलना चाहिए, बिकॉज जम्मू कश्मीर एक ऐसी प्लेस है, आई हैव बीन मोर देन 20 to 25 कंट्रीज़। मुझे लगता है कि जो वाटर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, शायद हमारे मुल्क में कहीं नहीं है। और वर्ल्ड की बात करेंगे, बिकॉज हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में जम्मू कश्मीर लीड कर सकता है। और जहाँ तक आपने बोला कि आज हमारा पूरा वाटर स्पोर्ट्स घर घर में फैल रहा है, और खुशी की बात यह है कि पहली बार हिस्ट्री में बारामुल्ला से बच्चे इस वाटर स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। पहले श्रीनगर तक ही महदूद था, बट हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम रूरल एरिया से टैलेंट को निकालें। पेरेंट्स से सबसे यही है कि इफ़ यू वॉन्ट एलो यूअर चाइल्ड टू फ्लाई, I promise you, I attach a strong wings so that they can reach Olympic podium. This is my aim and this is my dream. Thank you very much. Allah Taala ne yahan pe bahut sari water bodies di hai, barkat di hai. So we have a great scope ki agar infrastructure banaya jaye, facilities di jaye aur facilitate kiya jaye, encourage kiya jaye, to hamare paas bahut bada scope hai. Itni sari water bodies न सिर्फ कश्मीर में, जम्मू से आप देखिए लद्दाख तक इंक्लूडिंग कश्मीर, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे ऐसे एथलीट्स तैयार कर सकते हैं इस स्पोर्ट के हवाले से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमें सोसाइटी में भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। स्पोर्ट्स के साथ साथ इट कैन बी अ गुड करियर फॉर द स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, पार्लियामेंट के ज़रिए और अदरवाइज़ भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ इस स्पोर्ट के हवाले से और दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करूंगा। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड ज़रूर करूंगा, इनके साथ भी इंटरेक्ट करूंगा कि क्या ज़रूरत है जिससे इस स्पोर्ट को यहाँ पर इनक्रेज किया जा सकता है, उसको फिर कम्युनिकेट कर। देखिए मैं प्लानिंग नहीं बनाता हूँ, प्लानिंग गवर्नमेंट बनाती है। मैं गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अप्राइज करूँगा ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा इनसे मैं डिटेल्स लेके कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स मैं ज़रूर पार्लियामेंट के ज़रिए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ इंडिविजुअली भी रेज करूँगा ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफ़िल हो जाए। और साथ साथ करिकुलम में भी, स्कूल में भी स्पोर्ट को सीरियसली लिया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे पास कमी नहीं है वाटर बॉडीज़, तो उसको स्पोर्ट को अच्छी तरह से सीरियसली लेके और एक करियर भी बनाया जाए, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू।